Hello kids, I hope you are doing great. Myself Shubham Singh and I'll be teaching you SST. Okay, so we are start a new book. The book name is Time Travelers, which is of grade 6, and Acknowledge Series, which is a unit of Amit Publishing House. Okay, so today we are going to start very interesting chapter. The chapter name is What, Where, How and When. Okay, so let's begin our chapter. Okay. Yes, yes. Can you identify the very person? Okay. So, I'll give you a clue. He is regarded as the father of history. Okay. I'll explain it to you. This person is known as Herodotus. Okay. So, let's begin our chapter, the first unit. That is, what is history? Listen kids, when we study about the history, we study about the past narrations. It means, suppose right now you are sitting in your room, hana? So if you want to learn about ki 100 years pehle kya hua hoga, ya 1000 years pehle kya hua hoga, theek hai? Toh wo sab hum information gather karne ke liye history ka help lete hain, jisme hamara archaeological scriptures ho sakti hain, ठीक है, और आपका लिटरेरी सोर्सेस हो सकते हैं लाइक क्वाइंस, ठीक है, या फिर जो हम डिक करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के अकॉर्डिंग. सो हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटीज कैसे रही होंगी पहले. ओके, कि अर्ली मैन क्या 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 करते थे और सोसाइटीज में कैसे कल्चर्स रहे होंगे, कैसे सोसाइटीज डेवलप हुई ऑन दैट टाइम. ठीक है, सो हिस्ट्री हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द चेंज and how the society will even to came into being. Listen, right now this is a modern era, but before the modern period start, jitna bhi aapka prehistoric period ya proto history raha hoga beta, usme hota kya hai ki jo hamari societies develop hui hai wo kaise came into being in a society right now, aur kaise wo raha karte the, kis tarah ke unke houses the, societies thi unki, hai na. So let's begin. कि अब क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो हमें अंडरस्टैंड कराती है सिचुएशन की, कि हमारा पास्ट लाइफ कैसे रहा होगा. ठीक है, कि कल्चर्स कैसे रहे होंगे, क्विजींस क्या होंगे, व्हाट वर देयर हैबिट्स ऑफ फूड, क्लोथ्स कैसे पहनते थे, कहाँ रहा करते थे, कि उसमें रहा करते थे अर्ली मैन, है ना. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रिवर्स के पास रहना शुरू किया, बिकॉज वाटर इज वेरी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. विदाउट वाटर हमारा लाइफ जो है इम्पॉसिबल है, बिकॉज अगर आपको इरीगेशन करनी है या वॉट एवर द एक्टिविटीज यू हैव टू डू, द वेरी फर्स्ट नेचर या वेरी फर्स्ट रिसोर्सेज यू नीड इज रिसोर्स वॉटर. ओके, सो इट टेल्स अस हाउ टू सर्वाइव. ये हमें हिस्ट्री ये भी बताता है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है. मतलब सपोज पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उससे हम सीख सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स की थी पहले पास्ट में, और फ्यूचर में हम उनसे सीखकर उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं. एडवर्सिटी इट हेल्प अस टू नो आवर ओन रूट्स. ये हमारी रूट्स को पहचानने में हमारी हेल्प कराता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे. ओके, हमारे फोर फादर्स और कैसे उनका कल्चर था रहने का, दैट्स इट. ओके, हिस्ट्री हेल्प अस टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव. हिस्ट्री हमारा परसेप्शन भी क्रिएट करता है. अगर हम कंपेरिजन करें पास्ट लाइफ से और द करेंट वर्ल्ड, विच इज वेरी डिफरेंस, है ना. सो उसमें हम देखते हैं कि सोसाइटीज कैसे रही होंगी, क्या क्या उनके साथ सिचुएशन रही, और कैसे वो फूड गैदर करते थे, और वो रिवर्स के पास जाके उन्होंने अर्ली सेटलमेंट ट्राई किया. तो ये सब आज की अगर हम कंपेरिजन करें तो कितना चेंज आ गया है. वी हैव सो मैनी टेक्नोलॉजीज राइट नाउ, बट ऑन दैट टाइम वी डोंट हैव एनी सच थिंग. ओके, सो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बेटा टाइम्स और डेट्स हमें आइडेंटिफाई करना हो कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट कब का है और कौन सा पार्ट का है. तो उसको पता करने के लिए हमारे पास, हम हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, एंड द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास प्री हिस्ट्री के नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बेटा प्रोटो हिस्ट्री, पीरियड ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन
इस प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कुछ पिक्टोरियल इमेजेस भी हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा केव्स के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनी रहती हैं पेजेस, है ना। सो लास्ट में हिस्ट्री, अ पीरियड फॉर विच रिटन, यानी कि एक ऐसा पीरियड कि जहां हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स या रिटन टेक्स्टर्स हमारे पास हैं, जिसको हम पढ़कर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस टाइम में क्या रहा होगा। Historians have unanimously recognized the year of Jesus Christ. देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें सब पता कैसे चलेगा कि हिस्ट्री हमें कहां से स्टार्ट करना है और कहां से एंड करना है, स्टार्ट कहां से करें। तो हमने जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं, हिस्टोरियंस बेटा वो होते हैं जो जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं द पास्ट इवेंट्स। ओके, सो सभी ने एक यूनानिमसली एक डिसीजन लिया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने कॉमन एरा माना, जीसस क्राइस्ट के बिफोर द बर्थ जो भी टाइम है उसको हम कवर कर लेते हैं कॉमन एरा, यानी बिफोर क्राइस्ट, और जो जीसस के जन्म के बाद है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस उसको हम मानते हैं एनो डोमिनी, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट्स कॉल्ड अ टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री। ओके, सो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ प्लेस हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। बेटा ज्योग्राफी का जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत कैपेबल है, बिकॉज जितने भी अर्ली सोसाइटीज हुई हैं या अर्ली सिविलाइजेशंस हैं, उन सब ने अपना जो सोसाइटीज़ हैं वो बैंक ऑफ द रिवर के आसपास ही सेटअप किए, बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटीज़, है ना। अगर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे रहा होगा, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वाटर के विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कैन यूज इन द इरीगेशन एंड फूड पर्पजेज ऑल्सो। ओके, सो जनरली पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर एनवायरमेंट, देखो जितना भी ह्यूमन सर्वाइवल है या सेटलमेंट है वो आपको प्लेन एरियाज में जहाँ फर्टिलिटी होगी लैंड की आपको वहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर आपके रोड्स नेटवर्क्स वगैरह अच्छे होंगे, प्लेन एरियाज होगा, एनवायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी में मिली। अब क्वेश्चन आपका अगर आता है मन में कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज इन विद इन अ 1 किलोमीटर ऑफ एरिया जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी बड़े किंगडम्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, लाइक मगध एम्पायर, है ना, माइटी किंगडम मगध एम्पायर, वो सब ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास ही सेटलमेंट हुआ उनका, बिकॉज दे आर माइटीएस्ट एम्पायर, द लार्जेस्ट आर्मी ऑन दैट टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, द सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द 3 बैंक, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखो बेटा दीज सेटल्स, अब जितना भी हमारा सेटलमेंट है या जितना भी हमारा ह्यूमन सोसाइटीज हैं, ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटीज को सेटलमेंट होने के लिए, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, सेकेंड वन इज नियर बाई सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स, एंड थर्ड वन इज गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और रिवर्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, हिमालयाज इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडस सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द विंड्स। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडियन फिजिकल मैप, यू कैन सी द हिमालयाज, बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज विच प्रोटेक्ट्स अस द साइबेरियन कोल्ड विंड्स। ओके, that also affect the settlement of the human survival. Okay, in the southern region, the long coastline of India. Okay, go. India is a coastal area because in the western ghats and the eastern ghats, they have very fertility and that allow trade with the Rome to flourish. The oceans help us in the exchange of goods. जो हमारे oceans हैं वो आपको जितना भी आपको trade करना है वो सब आप बाई सी रूट, ओके, आप इजिली कर पा सकते बिकॉज वॉटर इज अ वेरी चीप ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दैट अब क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है पढ़ने के, अगर हमको जानना है कि वॉट आर द सोर्सेस देन, और हमें पास के बारे में जानना है तो हम कैसे, तो सोर्स क्या है हमारे, उन सोर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है इन द 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सर्विस में हम इंस्क्रिप्शंस,
मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स, है ना, और आपके अदर ऑब्जेक्ट्स आर्टिफिकेट्स. देखो यू हर्ड अबाउट डायनासोर्स, सो द आर्कियोलॉजिकल्स वो स्टडी अबाउट द स्टड, तो उसमें डायनासोर्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो उनको स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि ये किस एरा से रहा होगा. ओके तो ऐसे ही अगर हम वो स्टडी को हिस्ट्री को जानना है तो हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल, है ना, कुतुब मीनार, और कॉइन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, गोल्ड सिल्वर, उनकी हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये किस पीरियड के या किंगडम के रहे होंगे. ओके आफ्टर फिर हमारे पास है रिटन डॉक्यूमेंट्स. सपोज कुछ ट्रेवलर्स होते हैं वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो एक देश से दूसरे देश जाया करते थे. ओके तो जो भी वो ऑब्जर्व करते थे उसको वो अपनी बुक में लिखा करते, लिखने के बाद वो एक क्या बन जाएगा, लिटरेरी सोर्स, जिसमें हम रिलीजियस लिटरेचर को ऐड कर लेते हैं, सेकुलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स. जितने भी ट्रेवलर्स रहे हैं हमारे, वो बेटा क्या करते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि अगर आप सपोज करो यू आर कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, सो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है ऑन दैट टाइम वो सब उस फॉरेन ने अपने अकाउंट में लिखा. फिर हम उसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं कि उस टाइम उस पीरियड में या उस किंगडम्स में क्या रहा होगा ऐसा, कि कॉइन्स किस तरह के चलते थे, किस तरीके से पॉलिसीज थी राजा की, किंग की, है ना. सो द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे. इसमें होता गया बेटा कि सपोज करो फॉसिल्स मिले आपको ना डायनासोर्स के, तो उसको हम स्टडी करते हैं. उस स्टडी करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका टाइम पीरियड जब हमको स्टडी करते हैं क्या रहा होगा, क्या रेफरेंस है हमारा, तो ये सब हम उसमें बॉन्ड्स की हेल्प लेते हैं, सील्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, राइटिंग्स हो गए, है ना, पेंटिंग्स ऑन स्टोन्स, टूल्स, ज्वेलरी और लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ द मेटल्स ऑल्सो. ओके सो मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स, दे आर ओल्ड स्ट्रक्चर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर हिस्टोरिकल लेगेसी. वी हैव सो मेनी मॉन्यूमेंट्स इन आर कंट्री, अ वेरी ग्रेट टेम्पल्स, वी हैव मेनी ग्रेट टेम्पल्स, वी हैव लाइक मॉस्क, टॉम्स, चर्चेस, है ना, सिमेट्रीज, फोर्ट्स, पैलेस, इतने शानदार हमारे पास इंडिया, वी हैव सो मेनी टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड रॉक कट केव्स, अजंता एलोरा, हैव यू हर्ड अबाउट इट, अजंता एलोरा केव्स, द वेरी फाइन एंड द पिक्टोरियल ग्राफ, वॉट एवर यू नो यू स्टडी अबाउट द अजंता एलोरा केव्स, यू विल बी अमेज टू नो. ओके मॉन्यूमेंट्स कुड बी ऑल्सो एनी बिल्डिंग ऑफ द पास्ट एज वेल एज एंशियंट मॉन्स. ओके सो दे प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल. हिस्ट्री हमें और ये जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं हेल्प करते हैं व्हाट वर द पॉलिटिकल सिचुएशन रही होंगी, है ना, सोशल चीजें क्या रही होंगी, है ना, सो कैसे लोग उस टाइम में रहा करते थे और कैसे इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट, यू नो, बेसिक नेसेसिटीज. ओके सो यस लुक एट अबाउट इट, you know what is this, this is Taj Mahal which is built by Shah Jahan in the memory of her beloved wife. Okay so which is situated in the Agra. Okay inscriptions are nothing but a beautiful handwritings which is mounted on the rocks or walls. matlab beta aisa hota hai ki ऐसी इंस्क्रिप्शंस को ऐसे बोलते हैं कि जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स हैं या कि पिक्टोरियल रूप में हो सकती हैं, है ना, तो उनको जो हमने जो अर्ली मैन थे उन्होंने केव्स पे कैसे ड्रॉ किया, क्या बनाया, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये मोस्ट ऑफ द रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, पाली, ब्राह्मी और संस्कृत लैंग्वेजेस में, और इनको ना हम अभी भी डिकोड कर पा रहे हैं और कुछ को हम डिकोड नहीं कर पाए. सो अमंग द इंस्क्रिप्शन फाउंड दोज ऑफ अशोका रिटन on the hard slab or so far give the best description of our region. एक बहुत ही great king रहे हमारे time के, वह है अशोका. अशोका ने जितने भी policies maintain की है, policies बनाई है, उनका best description उन्होंने प्राकृत language में और पाली languages में बहुत ही अच्छे तरीके से on the walls or the caves पे लिखवाया. So coins,
coins from the past shed light on the different aspects of life back then. जो coins की study करते हैं उसको हम बोलते हैं numismatics. Okay? The study of coins is called numismatics. So, hoards of coins have been recovered from the different parts of the India. आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि कहीं पे आर्कियोलॉजिकल डिगिंग कहीं खुदाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको कॉइंस मिलते हैं. तो वो हमारे पुराने जितने भी एम्पायर्स रहे होंगे, या मगध एम्पायर हुआ हमारा, तो या मुगल एम्पायर, मुगल एरा के आसपास के जो भी कॉइंस मिलते हैं कि उस टाइम पे वो किस तरह के कॉइंस यूज करते थे, एक्सचेंज मतलब ट्रेड करने के लिए किस तरह के कॉइंस वो यूज करते थे. ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट कॉइंस हैव सिंबल पंच ऑन देम. कुछ कॉइंस पे किंग का इमेज प्रिंट हुआ करता था, ठीक है, किसी पे कोई बर्ड या समथिंग एल्स या गॉड या गॉडेसेस को भी प्रिंट करा देते थे कॉइंस पर, ठीक है. दीज कॉइंस ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द किंग्स, और किसी किसी कॉइंस पे किंग का नेम भी मेंशन होता था और डेट ऑफ देयर रीजन कि क्या टाइम पीरियड रहा होगा, तो वो कॉइंस पे भी मेंशन रहा करता था. कॉइंस हेल्प अस हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द अननोन हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज. कॉइंस हमें हेल्प करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कि हम उसको ना रिलेट कर पाते कि किस एरा से हमें कॉइंस वो मिला है, ठीक है. तो फिर हम एक पैटर्न फॉलो करके फिर हम वो उसको असेंबल करके हम वी कैन रिलेट टू दैट. द रिलीजियस सिंबल्स एंड द लेजेंड्स ऑन द कॉइंस थ्रू लाइट ऑफ द आर्ट एंड द रिलीजन ऑन द टाइम. कॉइंस को एज अ रिलीजियस सिंबल भी यूज किया जाता था, ठीक है. द कॉइंस मेनली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम्स दैट बिलोंग टू द सिटी और ट्रेड टेक्नोलॉजी. यानी कि कॉइन्स को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रेड पर्पज, ओके, एंड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है. सो अब हियर वी हैव द कॉइन्स इमेजेस जो कि हैं आपकी गुप्त एरा था एक हमारे पास गुप्त एम्पायर, उसमें एक बहुत ही महान राजा रहे हैं जिसका नाम समुद्रगुप्त. ये आप कॉइन देख सकते हो, ये गोल्ड के है ना. तो आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ये ओल्ड पीसेज हैं, थिंग्स ऑफ बिलोंगिंग ऑफ द पीपल, दे इंक्लूड पॉटरी. अब आप देखते हो कि आपके विलेजेस में जो पॉटरी बनाते हैं है ना, और टॉयज बनाते हैं, सील्स पीसेस, तो ऐसे ही अर्ली टाइम में भी लोग पॉटरी का काम किया करते थे और कॉइंस टॉयज बनाते थे, सील्स होती थी जिससे एक रीडिफाइन करते थे कि वो इस वाले एरा का है या इस वाले रीजन से आता है. जैसे हमारे ट्रैवलर्स हो गए, जब उनको ट्रैवल करना होता था या उनको कुछ एक ना लाइक अ पासपोर्ट आपको वो शो करना है कि यू हैव टू गो इन द डिफरेंट रीजन, तो आपको कुछ एक सिंबल या सिंबॉलिक लाइक अ सील आपको शो करनी पड़ती थी, तभी आपको उस रीजन में एंट्री मिलती थी. ओके, दीज टेल अस अ लॉट अबाउट द सोशल कल्चरल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. ओके, सो लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज आर दोज which we have the written documents like foreigner travelers account, यानी कि कोई कोई भी foreigner कोई दूसरे देश घूमने गया है तो उसने वहां पर क्या observe किया और उसने उसको अपनी book में mention किया है कि क्या political, क्या social और economic sources रहे होंगे, ठीक है. They include religious writings, religious मतलब कि किस तरह के धर्म को लोग मानने वाले थे उस वाले era में या उस देश में, और एपिक्स लिखा करते थे, पोएम्स होती थी कि राजा की शान में या किंग की शान में आपने कुछ पोएम्स होती थी वो लिखा करते थे, और रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस कस्टम्स क्या थे, क्या ट्रेडिशन थे, तो ये सब हम जो भी ट्रेवलर्स आते थे वो ऑब्जर्व करते थे. ओके, सो अब हम लिटरेरी सोर्सेज को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर इन थ्री पार्ट्स, रिलीजियस, सेकुलर, फॉरेन अकाउंट्स. रिलीजियस लाइक वेद, रामायण, महाभारत एंड बाइबल एंड द कुरान, ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इसको हम घर घर में भी पढ़ते ही हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फोर फादर्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब पढ़ा करते हैं, और उससे हमें कुछ हमें जानने का मौका मिलता है कि किस तरह का हमारा हमारे गॉड या हमारा उनका एक एरा रहा, किस तरह की पॉलिसीज थी, ये सब, ठीक है, और किस तरह की कंडीशंस वहां पर हुआ करती थी. सेक्युलर लिटरेचर, बिसाइड्स रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि रिलीजियस लिटरेचर के भी अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि पीपल उस जो सेगमेंट जो सोसाइटी का था वो किस तरह से रहा करता था, और
उनके कस्टम्स रेगुलेशंस और सोसाइटीज को एक इन यूनिटी कैसे लेके चलना है, यानी कि दे डोंट बिलीव इन द रिलीजियस कस्टम्स, दे बिलीव इन सेक्युलर, यू नो किसी भी रिलीजन को एक रिलीजन नहीं मतलब मेन रिलीजन नहीं बनाना है, मतलब सभी को एक साथ लेके चलना है इन अ यूनिफॉर्म वे. तो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर लिटरेचर इज कौटिल्य अर्थशास्त्र. कौटिल्य एक बहुत बड़े वो रहे हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक बुक लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने रीजन के बारे में राजा को किस तरह की पॉलिसीज मेंटेन करनी चाहिए ताकि उसकी जो सिटीजन्स हैं वो भी खुश रहें और पीसफुल एक लाइफ. उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स हम कवर करते हैं कि ग्रीक, रोमन, चाइनीज और अदर ट्रेवलर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग इंडिया घूमने आए थे एज अ ट्रेवलर, उन्होंने इसमें ग्रीक हो सकते हैं, ग्रीक मतलब जो ग्रीस देश से आए हैं, और रोमन आपके इटली वगैरह हो गए, है ना, रोमन एम्पायर यानी कि मिडिल ईस्ट या ये वाला पार्ट, चाइनीज आपके चाइना से आते थे, और अदर ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, अरब से भी आते थे लोग इंडिया. सो द लेफ्ट बिहाइंड देयर अकाउंट्स एंड वी नो ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन. आप जानते हो अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, उसके बारे में जो हमें पता चलता है कि इतना महान एक राजा रहा, तो वो हमें पता चलता है ग्रीक रिकॉर्ड से, यानी कि ग्रीस देश के जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है. हु वाज एम्बिशियस, बिकॉज अलेक्जेंडर का एक एम था कि उसको पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना था. ओके, देन वी हैव द इंडिका, जो कि लिखी है मेगस्थनीज ने, एक बुक का नाम है ये इंडिका जिसको लिखा है मेगस्थनीज ने. हु वाज द एम्बेसडर, जो कि एक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, इट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये हमें काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहां पर, गवर्नेंस कैसे चलती थी गवर्नमेंट, और सोशल क्लास कैसे, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती थी, किस तरीके से ट्रेड किया करते थे, ये सब. सो मेनी नेम्स, फायान, हिविन सांग फ्रॉम चाइना, लेफ्ट अकाउंट विच डिस्क्राइब द सोशल और रिलीजियस. देखो चाइना से जो ट्रेवलर है उनके नाम है फायान, ह्यूइन सांग, और इन्होंने भी इंडिया के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कैसे सोशल लाइफ और इकोनॉमिक ट्रेडिशंस किस तरीके से हमारी सोसाइटीज में हुआ करते थे. ओके, सो इन द लास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे. हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट, हिस्ट्री हमें हेल्प करता है पास्ट इवेंट्स को जानने के लिए, ठीक है, और वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं. फिर हमने हिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में जिसमें हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ओके, बट इन द प्रोटो हिस्ट्री वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स ऑल्सो एंड पिक्टोरियल ऑल्सो. ओके, पिक्टोरियल मीन्स लाइक पिक्चर्स ऑन द केव्स और वॉल्स. ओके, फिर आफ्टर दैट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉरेन ट्रेवलर्स. ओके, हिस्टोरियंस आर द पीपल हु रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बाय स्टडिंग द सोर्सेज. अब जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका काम बेटा ये होता है कि वो एक चेन, सपोज इवेंट्स को मर्ज करते हैं और फिर उससे एक आइडिया लगा के एक परसेप्शन बना देते हैं कि हाँ कि ये वाली जो हिस्ट्री है ये इस एरा से बिलोंग करती है और ये वाली इस एरा से बिलोंग करती है. तो वो ना साइकिल बाय साइकिल या इवेंट्स बाय इवेंट्स उनको कोरिलेट कर लेते हैं और उनके उनको मर्ज करने के बाद फिर हमारे पास एक सोर्स हो जाता है. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. और जो हमारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसको भी हमने फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल में हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब. ठीक है, और लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट्स, विच वी स्टडी इन योर इन द प्रीवियस वे. ओके, इन अ डिटेल वे. ओके, सो वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर. द फर्स्ट वन इज व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए. तो हिस्ट्री हमें रिलेट कराती है हमारे पास्ट से, हमारा रूट्स क्या रहे होंगे, है ना, ये सब हम इसमें कवर करते हैं. फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस एंड
एंड वाई आर दे अ रिलायबल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन है कि इंस्क्रिप्शन क्या है. इंस्क्रिप्शन आर नथिंग बट इट्स अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग्स, है ना, इन इन मैनी लैंग्वेजेस लाइक प्राकृत और संस्कृत. ओके, वाई आर द रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये रिलायबल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इनका रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना. एंड वाई इज आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्री हिस्ट्री. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि प्री हिस्ट्री का, अगर हमको हमें पता करना है कि प्री हिस्ट्री का पार्ट कौन सा है, तो हम आर्कियोलॉजी की हेल्प लेते हैं. आर्कियोलॉजी में हम करते हैं कि हम अर्थ के क्रस्ट को डिक करते हैं, उसमें से हमें जो भी बॉन्स हो गए या कॉइन्स हो गई, है ना, इन चीजों को गैदर करने के बाद हम फिर हम स्टडी करते हैं, फिर हम पता लगाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ हैज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शेप्ड हिस्ट्री. क्वेश्चन कह रहा है कि जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है वो हमारी हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करती है. बिकॉज अगर आप देखो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इसको वी हैव हिमालयाज ऑल्सो, वी हैव कोस्टल एरियाज ऑल्सो, प्लेन एरियाज, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो भी हमारी सिविलाइजेशन रही है उसने कैसे उसको अडेप्ट किया है, ये सब हम क्वेश्चन में कवर करते हैं. ओके, तो व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्टिफैक्ट्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स. देखो क्वेश्चन है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, यानी कि पॉटरी हो गया या टॉयज हो गई, है ना, इनसे भी हम रिलेट करके हिस्ट्री को जान सकते हैं कि उस टाइम पे वो किस एरा से या किस पीरियड से रहे होंगे. ओके, फिर व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज आर दोज विच वी हैव द रिटन डॉक्यूमेंट्स वी हैव, और इसको पढ़ने से हम पता लगा सकते हैं कि लाइक फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स. ओके, सो थैंक यू किड्स, स्टे कनेक्टेड विद द क्लाइंब ऑफ अनदर वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.